आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं निशांत गौतम, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास न्यूज। मैं मुकेश कुमार, मैं इस समय मौजूद हूं फूलपुर पौंड विधानसभा के अंतर्गत रज्जाकपुर ग्राम सभा में। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी के जो प्रचार प्रसार करने के लिए लोग आए हैं, आइए इनसे चुनावी चर्चा करते हैं और इनसे जानते हैं कि हाँ किसका प्रचार कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? इम्तियाज खान। इम्तियाज खान जी, आप किसका प्रचार कर रहे हैं? हम यहाँ अपने गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का, भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। यहाँ से उम्मीदवार है पूर्व सांसद माननीय रमाकांत यादव जी। जी, तो आप प्रचार प्रसार पर निकले हैं, तो जनता को क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देखिए, जनता को यही बता रहे हैं हम कि आपके साथ जो धोखा हुआ है, इस धोखे से निपटने के लिए सन 2022 के चुनाव में इस सरकार को आप जो है हटा दीजिए। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जी जो है वो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। खिलवाड़ कर रही है, तो आप उनके धोखा या खिलवाड़ करने वाले कोई प्लान को कुछ बताएंगे? जी, किस तरह उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जैसे आप शिक्षा को ले लीजिए, जी, आप ये देखिए कक्षा एक से लेके कक्षा पांच तक सारे स्कूल बंद थे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई तभी स्कूल चालू हुए। अब ये बताइए कि सारी चीजें चालू हैं, जहां 8 लोग की जरूरत है वहां 80 लोग होते हैं, जहां 60 लोग हैं वहां 200 लोग होते हैं, तो वहां कोरोना नहीं है, सिर्फ विद्यालय में कोरोना है। जबकि हर ग्राम सभा में विद्यालय अपना है, हर ग्राम सभा का अलग अलग विद्यालय है, वो छोटे बच्चे ना इधर जाते ना उधर जाते हैं, ना इस गांव में जाते हैं ना उस गांव में जाते हैं, उन्हीं को रोक के रखा गया था। आप बताइए, 2 साल से विद्यालय बंद, ये बच्चे क्या पढ़ेंगे? नहीं, कहने का मतलब आपका तो बिल्कुल सही है, शिक्षा के ऊपर अगर देखा जाए तो जी। लेकिन उनका भी कहना था, मोदी जी का ये कहना था कि मैं डिजिटल इंडिया बना दूंगा जी, जी। तो डिजिटल इंडिया बना रहे, इससे आपको क्या दिक्कत है? भैया, कौन सा डिजिटल इंडिया बन रहा है? आप देखो, डिजिटल इंडिया आप क्या नहीं हो रहा, ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं? भैया, कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं आप बताइए, किस प्राइमरी में का नाम है वो टीचर उनके यहाँ सामने बोर्ड लगा है और वहाँ से आता है और उनके घर पे जाता है। फिर भी जो गरीब मजलूम लोग है वो लोग कहते हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी फ्री राशन दे रही है, उस पर आप क्या कहना? भैया, आप फ्री राशन दे रहे हैं 5 महीने 3 महीने के लिए दे रहे हैं, उसके बाद की जनता भूखी रहेगी? और दूसरी चीज, जो 1 रुपया की चीज थी वो 3 रुपया हो गई है। आप बता दे रहे हैं कि 2 महीने के बाद जिस घर में 5 मोबाइल चलता था अब 2 मोबाइल नहीं चल पाएगा। जो 35 रुपया का रिचार्ज था वो सीधा 100 का हो गया, जो 147 का वो 250 हो गया। ये बताइए, डिजिटल इंडिया में